Okay, my dear friends, I welcome you back to Muscle Masters by Sachin Kohli. And before I start this video, I again want to thank you for your unconditional support you are giving to the channel. ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं ऐसे ही जिम सेटअप के ऊपर ढेर सारा कंटेंट बनाता रहूँगा, बार बार बनाता रहूँगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत शुभकामनाएँ आपके और पूरे परिवार को धनतेरस की. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा से शुक्रिया करना चाहूँगा तहे दिल से, जो आप लोग चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई जस्ट वॉन्ट टू एडमिट दैट येस, आई नो सम ऑफ यू आर वेरी एंग्री दैट द रिस्पॉन्स फ्रॉम माई साइड इज बिट स्लो. जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉज नॉट अराउंड, आई वॉज नॉट इन कंट्री, आई जस्ट केम बैक. एंड आई विल बी गिविंग रिवर्ट टू एवरी क्वेरी यू हैव. ओके, थोड़ा ये दिवाली निकल जाने दीजिए, एक आध दिन निकल जाने दीजिए. देन आई विल बी सिटिंग विद माई असिस्टेंट्स एंड आई विल बी सी एंड वी विल बी कम्प्लीटिंग ऑल द पेंडिंग वर्क्स. एंड जो भी आप लोगों का पेंडिंग है, जो भी आप लोगों की क्वेरीज पेंडिंग है, बहुत सारी क्वेरीज पेंडिंग है, हज़ार से ऊपर क्वेरीज पेंडिंग है. सो आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज एंड वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट ऑफ द वीडियो टुडे. एंड द कंटेंट ऑफ द वीडियो इज अ वेरी क्विक कंटेंट. आई वॉज वॉचिंग अ इंटरनेशनल वीडियो, एक इंटरनेशनल वीडियो देख रहा था मैं, एंड आई गॉट दिस कंटेंट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल वीडियो. इट वॉज अ वेरी वेरी यू नो यू कैन से वेरी वेरी टचिंग वीडियो इट वॉज. एंड द जेंटलमैन ऑन द वीडियो वॉज टेलिंग अबाउट थ्री थिंग्स, कि ये तीन चीज़ों का ध्यान रखिए जब भी आप जिम सेटअप करने जाते हैं. ये तीन चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये तीन चीज़ें अगर आपने ढंग से की तो ये तीन चीज़ें आपकी जिम सेटअप के दौरान में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, सब कुछ चेंज कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. सो ये तीन चीज़ें क्या है, लेट्स गो स्टेप बाई स्टेप एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. द फर्स्ट थिंग, जब आप जिम ओपन करने चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टू अंडरस्टैंड द पीपल यू वॉन्ट टू ओपन द जिम फॉर. ओके, मैं आप जो भी मेरे से मिल चुके हैं या जो भी मेरे से मिलने आते हैं, वो सबसे पहले मेरे से जब भी पहला प्रश्न करते हैं तो मैं सबसे पहली बात यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले ये समझिए कि आप जिम किन लोगों के लिए ओपन करना चाह रहे हैं, कौन आपके टारगेट ऑडियंस है. डू यू वॉन्ट टू ओपन अ पावर लिफ्टिंग स्टूडियो, डू यू वॉन्ट टू ओपन अ फिटनेस स्टूडियो, डू यू वॉन्ट टू ओपन अ जिम, डू यू वॉन्ट टू ओपन अ एरोबिक सेंटर, डू यू वॉन्ट टू ओपन अ जुम्बा सेंटर, डू यू वॉन्ट टू ओपन अ सेंटर विच इज मिक्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, यू आर अ फिजियोथेरापिस्ट, यू वॉन्ट टू ओपन अ जिम फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली फिजिकली डिसेबल्ड, यू वॉन्ट टू ओपन द जिम फॉर द स्पोर्ट्समैन, यू वॉन्ट टू ओपन द जिम फॉर हुम, इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब भी आपके पास एक प्रश्न दिमाग में आता है कि आप किस प्रकार का जिम ओपन करना चाहते हैं या आप जिम ओपन करना चाहते हैं. देखिए, जिम ओपन करना इज, लेट मी टेल यू, देर आर टू थ्री बिजनेसेस एंड जिम इज वन ऑफ द बिजनेस जो एकदम से सेटअप हो जाता है अगर आपके पास पैसा है. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट, यू नो द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट रनिंग योर जिम माय डियर फ्रेंड्स. और अगर आप पहले समझ के चलेंगे ना कि आपको ये जो जिम है, ये जिम आपको किसके लिए खोलना है, आप उस प्रकार का इक्विपमेंट लगाएंगे, उससे ज़्यादा आप उस प्रकार की तैयारी खुद के लिए करेंगे, खुद को तैयार करने के लिए करेंगे कि हम उस प्रकार की एक तैयारी कर ले, खुद तैयार हो जाए ताकि हम आगे उस बिजनेस को रन कर सकें और वो जिम हमारे लिए फेलियर ना हो. आप बोलते हैं मेरे को पावर लिफ्टिंग स्टूडियो बनाना था दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर, जयपुर के अंदर, लेकिन जब आप वो स्टूडियो बनाने गए तो आपके पास पावर लिफ्टिंग के स्क्वाट रैक्स तक नहीं है. आपको जुम्बा सेंटर बनाना था, आपको एरोबिक सेंटर बनाना था, लेकिन आपके जिम के अंदर पैर रखने का ही जगह नहीं है, आप एक GX रूम भी नहीं बना पाए तो किस तरीके से जुम्बा एरोबिक सेंटर बनाएंगे. सो द फर्स्ट थिंग माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हाट आर योर टारगेट ऑडियंस एंड व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड उसके हिसाब से आपका कॉस्टिंग निकल के आएगा कि आपको इतना कॉस्ट लगाना है. और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पैसा तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पैसा बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उसके हिसाब से आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने खुद को तैयार करना है उस यूनिट को रन करने के लिए. अगर आप खुद तैयार नहीं है उस यूनिट को रन करने के लिए तो सिर्फ फेलियर ही आपके पास है और आपके पास किसी भी प्रकार का सक्सेस नहीं है. और अगर आप खुद तैयार हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेलियर होने से नहीं रोक सकती. सो दैट वॉज पॉइंट नंबर वन माई डियर फ्रेंड्स, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप जो ये जिम ओपन करना चाह रहे हैं, ये जिम आपको किन लोगों के लिए ओपन करना था, कौन आपके टारगेट ऑडियंस थे. नाउ पॉइंट नंबर टू, एंड इट्स अ वेरी 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 ब्यूटिफुल पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, योर जिम इज ओपन, आपका जिम खुल चुका है,
आपका जिम चल रहा है, और पॉइंट नंबर दो ये बोलता है स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ फ्री स्टफ टू योर मेंबर्स. पीपल लव फ्री स्टफ. इट इज नॉट अबाउट मनी. अगेन आई एम रिपीटिंग, पैसा कुछ भी नहीं. इट इज नॉट अबाउट मनी. पीपल स्टार्ट लविंग फ्री स्टफ. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टूडियो खोला, उस स्टूडियो के अंदर आई हैव एक्सपीरियंस इट एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि एक स्टूडियो था उसके अंदर स्पिनिंग क्लासेस होती थी, एक जिम था जिसके अंदर मैं जाया करता था उसके अंदर स्पिनिंग क्लासेस होती थी. अगर आपको स्पिनिंग क्लासेस करनी है तो आपको उसका 2500 अलग से देना है, अगर आपको जुम्बा करनी है तो आपको उसको 2500 अलग से देना है, अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आपको उसका 25000 अलग से देना है, अगर आपको रिफ्रेशमेंट एक्टिविटीज चाहिए तो उसका 20000 अलग से देना है. बस किस बात का ये पैसा देना है? आप लोगों ने तो अभी अपना ब्रांड ही क्रिएट नहीं किया. आप लोग तो जिम खोलने जा रहे हैं, आप लोग तो पहले स्टेप के अंदर है, और आप पहले स्टेप के अंदर ही लोगों से ये बोल रहे हैं कि आपको हर स्टेप का पैसा देना है. नो माई डियर फ्रेंड्स, देर इज नथिंग कॉल्ड मनी इन दिस वर्ल्ड, देर इज एवरीथिंग कॉल्ड वैल्यू इन दिस वर्ल्ड. याद रखिएगा, क्रिएट वैल्यू एंड मेक मनी. अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं बना सकते. आज मैं बहुत पैसा बनाता हूँ, रीजन इज वेरी सिंपल, आई नो हाउ टू क्रिएट वैल्यू. यू क्रिएट वैल्यू, यू मेक मनी. You don't create value, you will lose all your money what you have invested, my dear friends, and that is the bigger problem today. What exactly is happening that we don't create value, and how we can create value? We can create value by changing people's life. And how we can change people's life? We can change people's lives by giving lot of freebies so that they understand that yes, जो पैसा आप उनसे 3 महीने बाद मांगने जा रहे हो, 4 महीने बाद मांगने जा रहे हो, पर्सनल ट्रेनिंग में 25000 रुपये मांगने जा रहे हो, वो सब के सब पैसे एक्चुअली में वर्थ है, वो सब के सब पैसे एक्चुअली में वैल्यू है. सो स्टार्ट गिविंग फ्री बीज माई डियर फ्रेंड फ्रॉम डे वन. स्टार्ट टेलिंग पीपल अबाउट योर पर्सनल ट्रेनिंग एंड स्टार्ट गिविंग फ्री पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस. स्टार्ट गिविंग देम फ्री योगा सेशंस. स्टार्ट गिविंग देम फ्री जुम्बा सेशंस. स्टार्ट गिविंग देम फ्री एरोबिक सेशन सो दैट they understand, they love free stuff. It is not about money, it is about value. So they will understand that makes you different from jo gym aapke saath hai, jo gym yahan par hai, that makes you different. Okay, now the third one and the last point, and this is the most important point, my dear friends, and that most important point here is every person who is coming to your gym, let it be fat, let it be bodybuilder, let it be a person who is coming for fitness, let it be a person who is coming for medical illnesses, you need to understand the reason of the registration. The moment you will understand the reason of the registration, that why he came and joined your gym, usne aapka gym ka fees kyon pay kiya hai, aap kabhi bhi is business ke andar fail nahi ho sakte. If a person is coming for, you know, a person is coming for his back problem, okay, usko back ka problem hai, he is having problem in his lower back, and you are giving him every exercise which you are giving to a weightlifter, I think so it's a biggest failure. So being personal with every client, understanding your client is the most important thing, my dear friends. If you don't understand your clients, then it will be again a bigger failure for you. I'm not telling you to go and give personal training to each and every client. Personal training ke charges aap zarur se lijiye. However, setting smart goals. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Setting smart goals for your customer is what important thing. Every customer has to felt special. Every customer has to felt that yes, a goal is planned to me. एक टाइम है उस गोल को पूरा करने का, रियलिस्टिक गोल है, हम सब लोग मिलके वो गोल पूरा करेंगे, चाहे वो वेट लॉस है, चाहे वो वेट गेन है, चाहे वो मेडिकल इंजरी है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो पावर लिफ्टिंग है, चाहे वो कॉम्पिटिशन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ अ पर्सन इज पेइंग यू 1000 rupees पर मंथ और 5000 rupees पर मंथ, एंड दैट मनी हैज टू कम बैक इन द टर्म्स ऑफ रिजल्ट, माई डियर फ्रेंड्स. ओके, सो इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो, 3 things, बट अ वेरी वेरी पावरफुल वीडियो. तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि जब भी आप जिम ओपन करना चाह रहे हैं, आप किस प्रकार का जिम ओपन करना चाह रहे हैं और क्या फैसिलिटी ओपन करना चाह रहे हैं, और क्या आप खुद तैयार है, किसी पे डिपेंड नहीं होना, कोच पे डिपेंड नहीं होना, किसी पे डिपेंड नहीं होना, आप खुद तैयार हैं उस चीज को आगे ले जाने के लिए, दैट इज वन. द सेकेंड थिंग हेयर इज एक के साथ, एंड द सेकेंड थिंग हेयर इज स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ फ्री एक्टिविटीज टू योर कस्टमर सो दैट they find value and start paying for that free activities
in days to come, so that you make a lot of money, you make multi dollars into that, if they understand your services. That is second. And the third thing here is, every customer, you need to understand the goal, that what is the goal of your customer, and for every customer you need to have an absolute action plan, ke wo action plan kis tarike se achieve kiya jaye. Right, thank you so much my dear friends, and this was the video, short video for today. Hope you like that video. If you like that video, give me a thumbs up. If you don't like the video, make me understand in comment section ki kya kya aur incorporate kiya ja sakta hai. And again, I'm just telling you from the bottom of my heart, thank you so much for supporting the channel. And whatsoever the pending stuff here is, all the pending inquiries are there in my hand. This is all the pending inquiries. So all the pending inquiries, don't worry, I will revert very, very, very soon. And my sincere apologies for the delay, since I was traveling back to back, my dear friends. Thank you for all your support. Love, love and love, and wish your family a very, very, very happy Diwali.